आपको क्या लगता है कि जैसे मस्जिद की दीवार गिराएगी, यहाँ पर जैसे पंडित जी दिखा रहे थे कि अभी कि यहाँ पर भी एक्शन लिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एक्शन हुआ है या सिर्फ एक तरफा एक्शन हुआ है? सवाल ये बनता है कि एक तरफा कार्रवाई अगर हुई है तो इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा और किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का माहौल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर माहौल बनाया गया, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया गया, वो दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी कहलाती है, उस दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला था जिस तरीके से अब देखने को मिला है। प्रशासन अपनी पूरी तरीके से चौकन्ना है, प्रशासन ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर रखा है कि कोई ऐसा माहौल पैदा ना हो जिससे कि भाईचारा खराब हो। और तकरीबन जहां जहां बात की गई तो पता यही चल रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई है और ये तमाम सारी चीजें आपके सामने है। मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी, दिल्ली MIM से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहांगीरपुरी के उस इलाके के अंदर जहां पर दिल्ली के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई और एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया जहां पर एक तरफा कार्रवाई जहांगीरपुरी में देखने को मिली और कुछ इस तरीके की साजिश रची गई जहांगीरपुरी के अंदर कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत का माहौल पैदा किया गया और फिर जब कार्रवाई की बात आई तो एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों की गई। मैं ये नहीं कह सकता कि गलती किसकी थी या किसकी नहीं थी। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे साथ खड़े हैं शायद चश्मदीद, ये बताएंगे कि कैसा क्यों माहौल पैदा हुआ कि दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है, जब हिंदुस्तान की राजधानी में ऐसा माहौल पैदा हो सकता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हजरत बताइए कि ऐसा कैसे, यानी किस तरीके से ये माहौल पैदा हुआ? क्या कहते हैं उसको, हनुमान जयंती थे ना जो उनका, जी हनुमान जयंती के अंदर उनका में क्या होता है, गदा लेके चलना होता है। जी अगर छुरी तलवारें और तरह तरह से नारे लगा रहे थे, तो ये यहाँ पे कम से कम 30 किलोमीटर दूरी के अंदर वो चौक है, वहाँ पे एक काली मंदिर है, वहाँ पे हमारे कुछ नौजवान बच्चों ने और ये जो बेचारा कवाड़ी का जीवन करता है बेचारा, जो इसका नाम है अंसार है, वो भाईचारे के नाते उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो माहौल को ख़राब ना करें, आप लोगों को मेहरबानी होगी कि आप लोग बिल्कुल दूसरी तरफ से निकाल दें। तो बहुत अच्छी बात की उसकी कहने के बाद उन्हें दिखाने के लिए आगे चले गए। दूसरी बार फिर आए वो लोग तकरीबन 3 बजे करीब आए और उसके बाद फिर वो लोग क्या कहते हैं, फिर उनको समझा बुझा फिर भेजा गया। तीसरी बार आया सवा छः बजे। कौन सी चीज़ किसी टाइम में कभी आपने सुना होगा कि 6:15 बजे के शाम के टाइम तारीख का टाइम जुलूस निकलता है? किसी में धर्म में नहीं है। तो जैसे बोला गया कि पत्थर इधर से चलाए गए या पत्थर उधर से चले, पत्थर किस वजह से चले थे? पत्थर आपको मैं बता रहा हूँ, जब वो लोग नहीं माने तो सब तो अपने अपने क्या कहते हैं वो रोजा इफ्तार के सब में जुगाड़ में लग गए थे, कोई नमाज पढ़ने के लिए, कोई किसी के चक्कर में। उसी दौरान इसके अंदर मस्जिद के गेट के पास आए और वहाँ पे वो डीजे बहुत जोर जोर से चलाने लगे। डीजे चलाने के नौजवान बच्चे थे, कभी बच्चा कम से कम 15-16 साल का होगा, 20-25 साल का होगा, कभी बड़े बुजुर्ग तो कोई था ही नहीं, बड़े बुजुर्ग होते तो कोई बात ही नहीं थी। अब वो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, रोजा मामले का दिन है, अब ये लोग ऐसा काम मत करो। इसे हम करते करते धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की होने के बाद उसके बाद तो कैसे क्या हुआ इस तरह हमें तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन हमें थोड़ी इतनी पता कि हम दुकानदार थे, हम दुकान समझने के बाद पता लगा हमें कि भाई वहाँ पे के बाद हमसे झगड़ा हो रहा है। इतने हम जो बाहर से गए वहाँ से तो उन लोगों को क्या पता कि वो लोग वहाँ से वो भाग चुके। भागने के बाद भी थोड़ी देर में चौक में कुशल चौक है, कुशल चौकने के बाद वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हमने फिर देखा कि उधर के जी ब्लॉक की तरफ से कुछ बंदा उधर से भी भाग के आ रहे थे। वहाँ सिर्फ 4 पुलिस वाले दिखे, 4 पुलिस वाले दिखने के बाद वो खड़े थे। खड़े होने के बाद तो कुछ हमारे इधर से बंदे गए और हमारे बंदे के बाद ये दिखा रहे कि रिवॉल्वर या कुछ नहीं था, डंडे थे, सब कुछ थे, ये तो बनावटी दिखाया गया, तरवाले थे, ये वो थे, सब झूठ की बात है। कुछ मीडिया वाले ऐसे आए यहाँ पे, मतलब उस किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं है। आपके कहने का अभी अवैसी साहब जैसे आपके पास से होकर गए जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आज बुलडोजर चलाया गया, जिस तरीके से बुलडोजर इस रोड के ऊपर चला, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफा कार्रवाई थी कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कि ऐसा लगा कि दोनों तरफ से धंगा भड़का था कि उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की, कि जैसे कि देखा गया कि मस्जिद का आगे का गेट तोड़ दिया गया लेकिन मंदिर अभी भी सही सलामत है? ये बताइए, तो आप आज जो न्यूज ये दिखा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि आप बुलडोजर ना चलाए, लेकिन बुलडोजर जो चलाया गया एक तरफा मुसलमानों के ऊपर चला, या चलाने से कोर्ट से पहले क्या कहते हैं नोटिस दिया जाता है, ठीक है,
हमें किसी भाई को नोटिस नहीं मिली। जब ये लोग रात को नोटिस के बाद ही बजाय हमें 7 बजे बाद पता लगा कि भाई ये आज की ना अचानक जो पब्लिक के पुलिस प्रशासन बढ़ने लगे, कम तो हजारों की तादाद में पुलिस प्रशासन, बोले हमने क्या हो गया, बोले ये जगह झुग्गी पुलिस की। समझ सकते हैं कि ये लोग, ऐसा माहौल है कि चारों तरफ से पैक कर दिया गया है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की मीडिया जिस तरीके से एक नफरत भरा जहर घोल रही है, एक तरफा सिर्फ अगर मुजरिम दिखाया जा रहा है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। कोई भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं की गई जहांगीरपुरी के अंदर, जिससे कि संतुष्टि की जाए, किया जिससे कि हमें विश्वास हो कि कानून व्यवस्था सबके लिए है। इसलिए मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये सारे भाई खड़े हैं हमारे, कि मैं दहशतगर्द हूँ तो मरने के बाद मेरा बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारों पर तो मुर्दा बोल सकता है, और यहाँ नफरतों की आंधियों ने लूटी है इतनी अजमतें, अगर पूछना चाहो तो दुपट्टा बोल सकता है, और आपके सामने है कि नफरत ने जलाई है इतनी बस्तियां, अगर कानून पूछना चाहे तो मलवा बोल सकता है, और हमारी लाशों पर बिछी है इतनी कुर्सियां, ये वो सच है कि झूठे से झूठा बोल सकता है। चारों तरफ ऐसा माहौल, डर का माहौल, सिर्फ कार्रवाई एक ही तरफ क्यों? गुनहगार हम लोग किसी के साथ नहीं उकसाने जा रहे, मेरे भाई ये भी बैठे हैं, 5 वक्त का नमाज है, रमजान का महीना है, रमजान के महीने में किसी को इतना टाइम नहीं है कि जाकर वो किसी के साथ अपनी लड़ाई करे या कोई दंगा करे। नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ने जाते हैं, इफ्तारी का वक्त होता है, इफ्तारी खोलने जाते हैं, सुबह से शाम तक बस ईद की तैयारी चल रही है, लेकिन इस माहौल में जिस तरीके से, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अगर ये दिल्ली की बात होती तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां रामनवमी, जहां जहां हनुमान जयंती की यात्रा निकाली गई, यात्रा से हमें कोई तकलीफ नहीं थी, यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकाली है, आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आप हर जगह अपना झंडा लगाइए, हर जगह तलवार को लहराइए, लेकिन इन लोगों को सिर्फ एक ही मंशा थी कि जहां जहां से रैली निकले कि उन्हें मस्जिद का दरवाजा दिख जाए, मस्जिद का गेट दिख जाए, और वहां पर जोर जोर से नारे लगाए ताकि मुसलमानों को उकसाया जाए, और कोई भी अगर मेरे गेट के आगे से मुझे पता है 4 लोग जा रहे हैं और मुझे जबरदस्ती बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, तो हिंदुस्तान में रहने हैं तो मुल्ले काटे जाएंगे, अगर इस तरीके से किसी को भी बोला जाएगा तो कोई भी पत्थर चला सकता है, अगर उसको आप सिर्फ दंगा भड़काना कहेंगे तो इसे दंगा भड़काना नहीं कहते। कानून व्यवस्था इस बात के लिए क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती कि क्यों ऐसे लोगों को परमिशन देती है, जो मस्जिदों के सामने से यात्रा निकलती है तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर को तेज लगाते हैं, अगर हमारे अजान से भी दिक्कत है तो हम लोग 5 वक्त की एक बार नमाज होती है तो अजान होती है तो हम किसी के घर के आगे हॉर्न नहीं लगाते, अपना एक मस्जिद के ऊपर हॉर्न है जो चारों तरफ जिसके घर तक जाती है आवाज पहुंच जाती है, हम किसी मंदिर के आगे अपना हॉर्न लेकर खड़े नहीं होते कि हमारी अजान को सुनो या किसी तरीके से करो। ये माहौल जिस तरीके का आप देखिए, चारों तरफ से एक छावनी बनी हुई है, कोई भी अभी लोग डरे हुए हैं, कैमरे का सामना नहीं कर रहे, कल को क्या पता मीडिया बता दिए कि ये भी जिम्मेदार था, ये सामने खड़ा हो जाए ये भी जिम्मेदार था, मैं भी जिम्मेदार था। जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं, अगर जिम्मेदारी मुसलमानों की है तो आप बताइए, यहाँ पर रहते हैं चारों तरफ से, अगर रोड पर जाइए, मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, अगर आज भी होता तो कर लेते, लेकिन ना इंसाफी यहाँ पर भी की गई, बुलडोजर अगर चलना था, अवैध निर्माण बताया गया कि ये गेट मस्जिद का बाहर निकला हुआ, अभी भी मंदिर आपके सामने सेफ है, क्यों मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया? क्योंकि ये लोग मुसलमानों को माली हालत से, दैनिक हालत से कमजोर करना चाहते हैं। 10:30 बजे ऑर्डर आ गया तो कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया, उसके बावजूद भी इन लोगों ने बुलडोजर चलाया गया, जब मस्जिद का जो दलित तोड़ चुका, जब मंदिर के पास गए तो वहाँ से कोर्ट से कोई एक आदमी आया, कह भाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो इसका मतलब कोर्ट ने इसको इजाजत दी थी कि मस्जिद का स्वीप तोड़ो, मंदिर छोड़ो, ऐसा क्यों, ऐसा एक तरफा बोला कि माना हमसे स्वतः व्यवहार क्यों, और ये जानबूझ के ये पुलिस प्रशासन शासन से, और सबसे बड़ा इसमें मीडिया का हाथ है, जब मीडिया ने जी 10 मिनट का खाली भगा दौड़ का मामला था, किसी का जख्म नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, किसी पुलिस को नुकसान नहीं कर गई, यह जबरदस्ती मुसलमानों पे ये थोपी गई है। और जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है कि जहांगीरपुरी के अंदर बांग्लादेशी लोग रहते हैं, तो इतने सालों से इन्होंने घर बना रखा है, आज से पहले या तुम्हें बांग्लादेशी या बाहर के लोग नहीं दिखे, आज अगर फसाद होता है तो बांग्लादेशी लोग रहते हैं, इन्हें निकाल दो, कभी एनआरसी के लिए बांग्लादेशी, हर चीज में अगर मुसलमानों को जिम्मेदारी देने का ठेका अगर आप लोगों ने ले रखा है तो मैं
तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग कोई भाईचारे को खराब नहीं करना चाहते, हम लोग ही दिवाली साथ मनाना चाहते, हम लोग खुश रहना चाहते। इतना वक्त हमारे पास नहीं है, हमारे को भी अल्लाह ने दो हाथ दो पैर दिए हैं, रोजी रोटी कमाने का एक धंधा दिया है। आप सिर्फ वक्त खराब करके, सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करके आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हो, और कुछ मकसद नहीं है हिंदुस्तान में। और मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, नफरतों को छोड़ो मेरे भाई, नफरतों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। कोई भी आज के वक्त नफरत नहीं चाहता, सबके घर में अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, सबके पास रोजगार है, सब दो वक्त की रोजी कमाना चाहते हैं। लेकिन आप जिस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हो, आज लोग अपने घर से काम पर नहीं जा रहे, चार दिन से ईद का समय है, ईद का वक्त है, चार दिन पांच दिन अगर ये लोग रोजी रोटी पर नहीं जाएंगे तो इनकी ईद कैसे बनेगी, इनके घर में सेविया कैसे बनेगी, इस चीज की किसी को चिंता नहीं है। अगर हिंदुस्तान में किसी को चिंता है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की चिंता है। अगर आज भी हिंदुस्तान के लोग समझदार नहीं हुए, और मैं अभी आपके बीच में बोल रहा हूँ, ओवैसी साहब आपके आए थे यहाँ पर, माहौल देखा, ऐसा मैं भी अभी आया, ऐसा कोई माहौल नहीं लगा कि लोगों के अंदर ऐसी कोई की चिंता है कि जाकर वो रोड पर तलवार लेकर लहरा है या डंडे लहरा है। ये सिर्फ अपनी इबादत गाह के लिए लड़ रहे थे, कि उस इबादत गाह के लिए जहां पर इफ्तारी का समय था, नमाज का वक्त था, और वो लोग आए और उन लोगों ने इन्हें उकसाया, इन लोगों को गाली बकी। इस भाईचारे को मेरे भाई कायम रखिए, ये भाईचारा टूटने मत दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। हिंदुस्तान टूटा तो भला किसी का भी नहीं होगा। अगर एक घर में आग लगेगी तो एक घर के बगल में चार घर और जलेंगे मेरे भाई, उसमें घर चाहे हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, घर सबका जलता है, नुकसान सबका होता है, रोजी रोटी सबकी छिनती है। तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे भाई, कि इस नफरत के माहौल को छोड़िए, सरकार जो चाहती है उसका उसके पीछे चलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ने आपको भी सोच दी है, फिकर दी है, और आपके भगवान ने भी आपको सोच और फिकर दी है, उस सोच और फिकर के साथ हिंदुस्तान को बनाओ।